Hello everyone, a very warm welcome to our YouTube channel program Guru Mantra, Siksha Ka Granth. Welcome back everyone, hope you all are very fine. In my previous video, I told you about the syllabus exam pattern of CSIR exam along with some important facts and tips regarding this exam. Please aap un facts ko tips ko yaad rakhiyega. ऐसा करने से आप उन हजारों बच्चों से बहुत आगे होंगे जिनको अभी तक भी इस एग्ज़ाम के बारे में वो सब बातें नहीं पता. साथ के साथ मैं आपको स्ट्रेटजीज भी बताती जा रही हूँ कि किस तरीके से जो है आपको सीएसआईआर की प्रिपरेशन कैरी ऑन करनी है, किस तरीके से आपको आंसर शीट में आंसर्स देने हैं. साथ ही आने वाली वीडियोज़ में मैं इंडिविजुअल सेक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व कर वहाँ भी आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स जो है शेयर करूँगी. सी अबाउट दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू से, वेन एवर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्ज़ाम, जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो एक बेसिक क्वेश्चन जो है सबके माइंड में रहता है, जो कि हम अपने सीनियर्स से, अपने टीचर्स से, अपने कॉलेज के टीचर से या फिर कोचिंग के टीचर से पूछते हैं कि सर या मैम आप बताइए कि जब आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी. दैट्स गुड, अ गुड इंटरेक्शन ऑलवेज लीड्स टू समथिंग यूजफुल, बट आप खुद अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स जो हैं जानते हैं. इंटरेक्शन करना बहुत अच्छा है, आप इंटरेक्ट कीजिए, जानिए लोग क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, और उनमें से जो भी अच्छे पॉइंट्स आपको लगते हैं वो आप अपनी स्ट्रेटेजी में इनबिल्ट कीजिए अलॉन्ग विद योर पोटेंशियल. अपने पोटेंशियल को देखिए और उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी स्ट्रेटेजी खुद बिल्ड कीजिए. प्लीज़ डू वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़ एज आई एम डैम श्योर दोज विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू गाइस. एक दूसरा बेसिक क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे जो है पूछते हैं कि बुक्स कौन सी हम रेफ़र करें. सो दीज आर सम रेफरेंस बुक्स, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक जो कि आप फॉलो कर सकते हैं. मोस्टली सारी बुक्स जो हैं कंटेंट वाइज दीज आर रियली वेरी नाइस, बट बिकॉज ये फॉरेन ऑथर की बुक्स हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, हर कोई जो है इसकी हार्ड कॉपी जो है अफोर्ड नहीं कर सकता. सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि अगर आप हार्ड कॉपी नहीं रखते इन बुक्स की अपने पास तो आप प्लीज़ इनकी सॉफ्ट कॉपी इन द फॉर्म ऑफ ई बुक्स जो है अपने पास रखिए, सो दैट आपको कभी भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए देन यू कैन कंसल्ट ओवर दीज बुक्स. प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपके पास सिलेबस की हार्ड कॉपी ऑब्वियसली होनी चाहिए, जिससे कि आप के सामने रहेगा कि आपको कितने टॉपिक्स जो हैं प्रिपेयर करने हैं. जैसे जैसे आप प्रिपेयर करते जाइए उनको मार्क ऑन करते चली जाइए. बुक्स ऑब्वियसली जो है वो स्टैंडर्ड बुक्स की सॉफ्ट कॉपी इन द फॉर्म ऑफ ई बुक्स आपके पास होनी चाहिए. इसके अलावा आई पर्सनली प्रिफर पाथफाइंडर बुक्स. पाथफाइंडर बुक्स का जो कंटेंट है दैट इज़ वेरी कंसाइज, डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे से समझाया गया है उसमें. एंड सबसे अच्छी बात उन बुक्स की ये है कि जो लैंग्वेज उसमें लिखी हुई है दैट इज़ वेरी इजी, कोई भी आसानी से उस लैंग्वेज को समझ सकता है. सो पाथफाइंडर की फंडामेंटल पार्ट 1 एंड 2, MCQ बुक, टेस्ट एंड एवोल्यूशन बुक, ये 5 बुक्स जो हैं आपके पास होनी ही चाहिए. यूनिट वाइज सारा कुछ जो है इन दो बुक्स में मेंशन है एंड यूनिट वाइज ही MCQ क्वेश्चंस जो है प्रेजेंट हैं. टेस्ट एंड एवोल्यूशन में भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी आपको मिलेंगे, साथ में और क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपको मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूल्स. इन बुक्स के अलावा अगर आप गेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो पाथफाइंडर की एक गेट की भी बुक आती है, आप वो भी ले सकते हैं, दैट बुक इज़ ऑल्सो रियली वेरी नाइस. इसके अलावा 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अलोंग विद देयर ऑल आंसर कीज वो भी आपके पास होना चाहिए, ऑल बाइंडेड इन अ स्पाइरल बंडल. पेपर लीजिए, उनका प्रिंट आउट निकलवाइए, साथ साथ आंसर की जो है स्टेपल करते जाइए और एट लास्ट उनको स्पाइरल बंडल में बाइंड करवा लीजिए.
आई नो ये काम जो है बच्चे लास्ट में करते हैं, सब कुछ प्रिपेयर कर लिया उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व कर रहे हैं, बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप साथ साथ ये चीज़ करते चलिए। आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, बहुत अच्छे से आपने उसको पढ़ा, देन आपने MCQ बुक में से क्वेश्चंस जो है उसके सॉल्व करे, टेस्ट इन एवोल्यूशन में से भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करे, देन डायरेक्टली कम टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उस क्वेश्चन पेपर में से आपके टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस हैं आप उनको सबको सॉल्व कीजिए। जब वो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होने लग जाएंगे फाइनल पेपर के, यू विल रियली फील वेरी गुड। और इसका एडवांटेज क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन साथ के साथ होती चली जाएगी, आप समझ पाएंगे कि पैटर्न क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड जो है बार बार पूछे जा रहे हैं, या फिर एग्जामिनर किस फॉर्म में इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को मोल्ड करके जो है क्वेश्चंस पूछ रहा है। नेक्स्ट, ज्वाइन सम यूजफुल ग्रुप्स ऑन फेसबुक, पोस्ट योर डाउट्स एंड एक्टिवली टेक पार्ट इन डिस्कशंस। फेसबुक पर हम अपना बहुत सारा ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो एटलीस्ट फ्रॉम दैट टाइम आप आधा घंटा जो है एक ग्रुप को दे दीजिए। बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं CSIR NET एग्ज़ाम के लिए और बहुत सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए बने हुए हैं, जस्ट जॉइन दोज ग्रुप्स। उसमें आप अपने जो भी डाउट्स हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वो पोस्ट कीजिए, और आप देखेंगे एक टॉपिक पर या एक किसी भी क्वेश्चन पर जो है हज़ारों माइंड्स एक साथ काम कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना आंसर दे रहे हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। इससे एक फ़ायदा क्या होगा आपको कि अगर जब भी आपने अपना डाउट पोस्ट किया, देन उससे रिलेटेड जितने भी आंसर्स आपको मिले वो आपके माइंड में इम्प्रिंट होते जाएंगे, और एट लास्ट जो फाइनल आउटकम निकल कर आएगा उसको भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर लकीली बाय गॉड ग्रेस जो है वो क्वेश्चन जो है डायरेक्टली CSIR एग्ज़ाम में आ गया, यू विल फील वेरी गुड, और आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा वो क्वेश्चन करने में। यू विल फील वेरी हैप्पी कि हाँ, ये क्वेश्चन मैंने ग्रुप में भी पोस्ट किया था, या इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से रिलेटेड फेसबुक पर बहुत डिस्कशन हुआ था, तो डेफिनेटली इसका आंसर यही है। तो ये एक स्ट्रेटेजी भी आप अपनी जो डेकोरम आप फॉलो कर रहे हैं उसमें अपनाइए। चलिए अब कुछ मोटिवेशनल बात भी कर लेते हैं। जो बच्चे रिपीटेड अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, जिनका एक अटेम्प्ट हुआ, दो अटेम्प्ट हुआ, तीन अटेम्प्ट हुआ, हर अटेम्प्ट के बाद दे बिकम मोर कॉन्फिडेंट बिकॉज वो पूरा लेआउट जो है पेपर का जान चुके हैं, दे आर एक्सपीरियंस होल्डर्स। बट जो स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे हैं, इन बिटवीन दे बिकम वेरी स्ट्रेसफुल, आंसर्स नहीं निकल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, साथ के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड CSIR एग्ज़ाम इज़ नथिंग रियली गाइस, इफ़ यू मूव स्मार्टली, इफ़ यू गिव योर स्मार्टेस्ट मूव एंड प्रिपेयर स्ट्रेटेजिकली, रेगुलरिटी आप अपनाएं, अपने साथ ऑनेस्ट रहें, देन दिस एग्ज़ाम इज़ नथिंग। Just play wisely as much as you can. It's just a game of 3 hours, and those 3 hours are the turning point of your life. Think of what you will have after clearing this exam. एक बार जब भी आपको स्ट्रेस फील हो, कभी भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका आंसर नहीं निकल रहा, या आपको कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहा, या आपका मन नहीं कर रहा कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं दूंगा ये वाला एग्जाम, तो बस एक बार उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, और अगर वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं एक बार सोच कर देखिए। या मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मेरे लिए आपको 20-25 सेकेंड्स लगेंगे ये पढ़ने में, एक बार पढ़ेगा, सोचेगा, एंड देन कैरी ऑन विद योर प्रिपरेशन एंड डिसीजन। जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बोला था कि आई विल बी टेलिंग यू कि सेक्शन वाइज कितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं आते हैं फ्रॉम ईच टॉपिक, सो हेयर दे आर। फ्रॉम मेंसुरेशन अराउंड 2-3 क्वेश्चंस आर देयर, सीरीज कंप्लीशन के 2-3 क्वेश्चंस होते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस के भी 3-4 क्वेश्चंस होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड के अराउंड 5 क्वेश्चंस होते हैं। फ्रॉम पार्ट बी, बायोकेमिस्ट्री में से फ्रॉम 5-6 क्वेश्चंस, सेल बायोलॉजी 4-5 क्वेश्चंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 8-10 क्वेश्चंस, जेनेटिक्स 4-5 क्वेश्चंस।
From developmental biology, you will find 3 to 4 questions. Zoology and botany, 5 to 6 questions. Experimental base, 3-4 questions are there. And from instrumentation also, 4 to 5 questions are there. Part C, जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है, that is of 100 marks, जिसमें सबसे ज़्यादा चॉइस आपको मिलती है, from that section, biochemistry के 6 से 8 questions आपको मिलेंगे, cell biology के 8 से 10 questions आपको मिलेंगे, from molecular biology, you will find around 8 to 10 questions, from model organisms, you will find 3 to 4 questions, genetics, 4 to 6, instrumentation, 5 to 8, and other 8 to 10 questions. ये सब average data है, जो कि पुराने पेपर को एनालाइज करके लिखा गया है. इस डेटा को समझाने का या बताने का एक मेन पर्पस ये है कि आप देखिए कि कौन से मेन सब्जेक्ट्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं पुट ऑन हो रहे हैं. अगर सेल बायोलॉजी में से अराउंड 6 to 7 क्वेश्चन या आप एवरेज में 5 मान लीजिए, 6 मान लीजिए भी आते हैं सेक्शन सी में, एंड 6 into 4 24. इसी तरीके से मॉलिकुलर बायोलॉजी में भी अराउंड 7 क्वेश्चंस आते हैं, 7 into 4 28. तो अराउंड 40 to 50 मार्क्स जो है ये सब्जेक्ट्स जो हैं कैरी करते हैं. तो रेदर वेस्टिंग देयर योर टाइम ऑन द सब्जेक्ट्स जिसमें से बहुत कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन पर ही अपना टाइम जो है दिए जा रहे हैं, दैट इज नॉट अ स्मार्ट मूव. तो आप उन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस कीजिए, उन सब्जेक्ट पर ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए, टॉपिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं. These are some of the very important topics for CSIR NET exam. Surely, definitely, इन topics में से questions जो है CSIR ज़रूर पूछता है. अगर इन topics को भी आपने बहुत अच्छे से prepare कर लिया, then on an average 70 to 80 marks जो है बहुत आसानी से gain कर सकते हैं. These topics are cell organization, cell signaling or communication, difference between prokaryotic and eukaryotic cell. सी गाइस, आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए. आपका बेस स्ट्रांग होगा तभी आप चीज़ें जो हैं बिल्ट अप कर पाएंगे उसके ऊपर. अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा, बेस वीक हो रहा है और आप उसके ऊपर चीज़ें पढ़ते चले जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली यू विल फॉल डाउन. तो आप बेसिक अपना बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए. अगर बेसिक अच्छा नहीं है आपका, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको बहुत कम टाइम लगेगा 8th, 9th, 10th की एनसीईआरटी पढ़ने में. ये सब टॉपिक्स, सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, अबाउट सेल, डीएनए, आरएनए, ये सब एनसीईआरटी क्लास स्कूल से ही शुरू हो जाता है. तो वहां से आप पहले क्लियर कीजिए बहुत बेसिक, तब आप जो है फर्दर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको रेफर कीजिए. Structure of DNA, RNA, replication, transcription and translation along with the enzymes involved in it. Definitely question jo hai enzymes ke upar pucha jata hai. Difference between B cell, T cell and other cells, amino acids, carbohydrates, lipids and proteins, energy production pathways, Mendelian genetics, laws of inheritance, gene interaction, linkage, crossover, sex determination, sex linked inheritance and pedigree analysis. डेफिनेटली क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है. पार्ट बी में पूछें या पार्ट सी में पूछें, पूछेंगे ज़रूर. म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशंस, टेक्निक्स लाइक पीसीआर, आरएपीडी, आरएफएलपी, एएफएलपी, ग्रोथ कर्व्स एंड काइनेटिक्स इन माइक्रोबायोलॉजी, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, ऑपेरॉन्स, इनहिबिटर्स, मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, कैंसर, एंटी कैंसरस ड्रग्स, एमएससीज एंड देयर रोल, ऑटोम्यून डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, फाइटोक्रोम्स, एबीसी मॉडल ऑफ द प्लांट, माइक्रोबियल जेनेटिक्स इंक्लूडिंग ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन, रूल्स इन इकोलॉजी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, स्पेसिएशन, एलोपेट्री एंड सिंपैथ्री, कन्वर्जन, डाइवर्जेंट एंड पैलर एवोल्यूशन, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरीज, मेजर बायोम्स, एंडेंजर्ड प्लांट्स, एनिमल एंड बर्ड्स एंड एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर. डेफिनेटली क्वेश्चन जो है इसमें से आता ही आता है. तो गाइज, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, साथ ही इनके और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट दीज आर मस्ट. ये आपको किसी भी हालत में छोड़ने नहीं है, इनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. ओके गाइज, दिस मच इज इनफ फॉर दिस वीडियो. इन माई अपकमिंग वीडियोज मैं आपको सेक्शन वाइज कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है स्मार्टली, वो मैं आपको बताऊंगी. साथ ही मेरी और अपकमिंग वीडियोज में आई शेल बी डिस्कसिंग द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए. एक एक टॉपिक पर मैं आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है बताऊंगी. टिल देन टेक केयर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय.
Thanks for watching our video. If you like our video, please like and comment on our channel and don't forget to subscribe our channel. For latest updates and queries, do like my Facebook page.